बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस सीरीज़ में, ये जो अब नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके अंदर प्रैक्टिकल्स करेंगे वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के। तो प्रैक्टिकल्स बेसिकली इस वजह से भी मैं अलग सीरीज़ बना रहा हूँ, ताकि वो जो आपका थ्योरी का वर्क था वो सारा अलग रहे। और ये बेसिकली एक कोर्स टाइप वर्क है। ये HTML को समझना और वेब डिवेलपमेंट जो आ रहा है आपके सब्जेक्ट में, इसका मतलब ये है कि हमने इसके डिज़ाइन को तो समझा है अभी तक कि किस तरह से वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं, लेकिन डिवेलपमेंट इसकी किस तरह से कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं HTML के थ्रू। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि HTML बेसिकली होता क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। HTML एक ऐसी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो कि हम यूज़ करते हैं वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब वेब पेजेस बेसिकली क्या है? जैसे ही हम अपना ब्राउज़र ओपन करते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल शो करता हूँ, ये देखें, ये है सिंपल मेरा एक वेब ब्राउज़र, जिसको जो आपके पास भी होगा। मैं क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, आप मोजिला फायरफॉक्स या कोई और इंटरनेट का ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, विकिपीडिया अगर लिखता हूँ, तो ये देखें, अब ये मुझे वेब पेज जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है, वेब पेज रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये विकिपीडिया की जो वेबसाइट है वो ओपन हो गई। तो यहाँ से मैं उसका कंटेंट जो है वो रीड कर सकता हूँ, उस पर जो जो चीज़ें हैं वो देख सकता हूँ और उन्हें चला सकता हूँ। तो ये बेसिकली हमारे वेब ब्राउज़र का काम है कि वो हमें एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिस पे कुछ चीज़ें लिखी हुई होती हैं। ये देखिए, डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे कोई इमेज लगी हुई है। तो ये सारा कुछ बेसिकली जो हम कर सकते हैं वो हम HTML के थ्रू कर सकते हैं। और ये किस लिए, ये HTML लैंग्वेज जो है ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? वेब पेजेस को बनाने के लिए। तो डिफरेंट वेब पेजेस को मिला के हम वेबसाइट्स बनाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि HTML जो है उसके अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहली बात तो आपने हमेशा अपने माइंड में बिठानी है कि अगर आप वेब पेज या वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको HTML यूज़ करना पड़ेगी। तो HTML यूज़ करेंगे और फिर हम वेब पेजें क्रिएट कर लेंगे। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, इसकी ये मुखफ्फफ है इसका। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ करते हुए वेब पेजेस बना सकते हैं। और HTML जो है वो डिस्क्राइब करता है वेब पेजेस के स्ट्रक्चर को, कि वेब पेज का स्ट्रक्चर किस फॉर्म में है और उसको हम किस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं हम वेब पेज को। HTML कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ होते हैं। अब वो एलिमेंट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कॉन्टेंट। अब वो जो एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम टैग्स भी बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे वेब ब्राउज़र को बताता है कि इस पेज के इस कंटेंट को किस तरीके से डिस्प्ले करना है। सपोज़ करो कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा हो व्हाट इज़ HTML, और ये मैंने ब्लू कलर का और बोल्ड और हेडिंग फॉर्म में लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, पावर पॉइंट में इसको ये सारी चीज़ें बताई हैं, तभी इसने इस तरीके से ये डिस्प्ले किया है। अब कहीं आपको बोल्ड जो है वो उसका बेसिकली एक्शन आपको नज़र आ रहा है कि वो बोल्ड हुआ हुआ है, लेकिन आपको बोल्ड लिखा तो कहीं नहीं नज़र आ रहा। तो इसी तरीके से बैक एंड पे हम एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं, और फ्रंट एंड पे हमें इस तरह वाइट पेज पे या वाइट ब्राउज़र के अंदर वाइट स्क्रीन पे हमें चीज़ें नज़र आती हैं। वाइट स्क्रीन वाइट भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, बेसिक बात जो है वो ब्राउज़र की है कि ब्राउज़र पे हमें इस तरीके से लिखा हुआ नज़र आता है। HTML एलिमेंट्स लेबल पीसीज ऑफ कॉन्टेंट सच एज थिंग्स इन हेडर हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लिंक। इस तरह की चीज़ें हम जो है एलिमेंट्स के दरमियान में लिखेंगे, तब वो जो दिस इज़ अ लिंक अगर मैंने लिखा है तो दिस इज़ अ लिंक हमें नज़र आएगा, लेकिन वो जो उस पर मैं जाऊंगा और क्लिक करूंगा और वो बेसिकली लिंक की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो HTML हमें करना सिखाता है, HTML की मदद से हम कर सकते हैं।
अ सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अब एक सिंपल एचटीएमएल डॉक्यूमेंट किस तरह से होता है, क्या उसके अंदर चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो एंगल ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर ही हमने हमेशा अपना एलिमेंट या टैग जिसे बोलते हैं वो हमने लिखना होता है एंगल ब्रैकेट्स के अंदर। एक साइड से देख सकते हो आप, एंगल ओपन ब्रैकेट है, एक साइड से क्लोज एंगल क्लोज ब्रैकेट है। तो ये दो ब्रैकेट्स के अंदर जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो HTML के अंदर एज अ टैग काउंट होती है, और ये प्री डिफाइंड टैग्स हैं, हमें बनाने नहीं पड़ते। सिर्फ हमने इनको यूज़ करके अपना कंटेंट इनके दरमियान में लिखना है। जो भी इसकी फंक्शनैलिटी होगी वो हमारे टेक्स्ट पे या हमारे कंटेंट पे वो अप्लाई कर देगा। अब ये सबसे पहले जब भी हम HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या कोई वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने ये लाइन लिखनी होती है जो कि टैग है बेसिकली, कि जिसमें हम डिक्लेयर कर रहे हैं डॉक टाइप HTML। इसमें हम बता रहे हैं कि जो कंटेंट अब आने वाला है वो बेसिकली क्या है, उसकी टाइप क्या है, उस डॉक्यूमेंट की टाइप क्या है, HTML। क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टैग्स की। तो ये वो बेसिक टैग्स हैं जो हर पेज के अंदर या हर डॉक्यूमेंट के अंदर हमें लगाने पड़ते हैं, बेसिक टैग्स हैं ये। तो सबसे पहला टैग हमारे पास HTML का। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो टैग ओपन होगा, ये बेसिकली ओपनिंग टैग इसे हम बोलते हैं, वो टैग कहीं ना कहीं पे क्लोज भी होगा, इसको हम क्लोजिंग टैग बोलते हैं। ओपनिंग टैग में क्या डिफरेंस है, क्लोजिंग टैग में क्या डिफरेंस है, आप देख सकते हो यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है। टाइटल जहाँ पर हमने लिखा है, ये एक टैग हो गया जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। उसके बाद ये फॉरवर्ड स्लैश जो है, इसको यूज़ करते हुए टैग को क्लोज़ किया जाता है। जो भी इसके दरमियान में चीज़ लिखी हुई होगी, ये टैग बेसिकली उस पर अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा के उसे डिस्प्ले करवाएगा। तो सबसे पहले क्या था हमारे पास, डॉक टाइप HTML, जो बताएगा कि ये जो सारा डॉक्यूमेंट का टाइप है वो HTML है। फिर HTML की बॉडी, HTML सॉरी HTML का टैग स्टार्ट होगा, यहाँ से ये टैग स्टार्ट हो रहा है, यहाँ तक ये टैग आ रहा है, इस टैग के अंदर बाकी सारे टैग्स आएंगे। तो उसके बाद एक हेड का टैग होगा, हेड के टैग में बेसिकली ये हेड का टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ एक टैग है जो कि है टाइटल का। तो इसकी फंक्शनैलिटी मैं आपको बताऊंगा आगे कि क्या फंक्शनैलिटी होती है। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है इस सारे HTML की, वो है बॉडी। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे बॉडी का टैग ख़त्म हो रहा है या क्लोज हो रहा है। इस बॉडी के टैग के अंदर जितनी भी चीज़ें आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें हमें इस तरीके से यहाँ पर वेब पेज पे जो भी चीज़ें हैं वो डिस्प्ले की जाएंगी। जो भी हम बॉडी के अंदर लिखेंगे, वो सारी चीज़ें बॉडी के अंदर डिस्प्ले होंगी हमारे पास। अब ये जो फॉरवर्ड स्लैश है, ये आपने याद रखना है, अगर आप बैक स्लैश लगाओगे यहाँ पे तो बैक स्लैश जो है वो वर्क नहीं करेगा, आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा के ही टैग को क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर इस बॉडी के अंदर जो टैग है वो है H1 का टैग, ये बेसिकली हेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद P का टैग है जो कि हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। जब भी कोई पैरा लिखा हुआ होता है कहीं पे भी, किसी वेब पेज के अंदर भी, तो वो पी के टैग के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट, ये कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको बता दी है, ये आप इसको रीड आउट कर सकते हो स्लाइड्स में। फिर उसके बाद बात करेंगे व्हाट इज़ एन HTML एलिमेंट। अब जो मैंने एलिमेंट की बात की थी, वो एलिमेंट बेसिकली होता क्या है, एन HTML एलिमेंट इज़ डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कॉन्टेंट एंड एन एंड टैग। ये बेसिकली इसका समझ लो कि सिंटैक्स है कि स्टार्ट टैग होगा, उसके बाद इसके अंदर कंटेंट कोई ना कोई आएगा, और उस कंटेंट के बाद ये क्लोज कर देगा टैग को। तो ये टैग का नाम इन ब्रैकेट्स एंगल ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, मतलब यहाँ से टैग ओपन हो रहा है। जो भी टैग ओपन होगा वो टैग क्लोज भी होगा, जो मैंने आपको पहले बात बताई है। अब उसके अंदर जो भी कंटेंट हमने लिखा हुआ होगा, वो टैग उस पे वो टैग की फंक्शनैलिटी इस कंटेंट के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग।
जो HTML एलिमेंट बेसिकली हम बोलते हैं वो स्टार्ट टैग से लेके एंड टैग तक वो एलिमेंट ही काउंट होता है। कि यहाँ पे सपोज करो अगर मैं लिख देता हूँ H1, तो H1 बेसिकली एक मेरा टैग है। और अगर मैं कहूँगा कि H1 टैग कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं कहूँगा H1 टैग यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क कर रहा है। और अगर मैं यहाँ पे H1 लिखूँगा तो मुझे क्लोजिंग में भी H1 ही लिखना पड़ेगा। ये कुछ इसकी एग्जाम्पल्स हैं, H1 माई फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है और क्लोजिंग टैग H1। फिर उसके बाद P का टैग है, पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है, माई फर्स्ट पेज। तो इस तरीके से ये एलिमेंट्स जो हैं HTML के वो वर्क करते हैं, जिनको हम टैग्स भी बोलते हैं और इस सब को एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और बात मैं बताता चलूँ कि कुछ हमारे पास कुछ बहुत ही समझ लोगे यूनिक या बहुत ही कम जो टैग्स हैं वो ऐसे भी हैं जो कि जिनका कोई कंटेंट नहीं होता और ना ही कोई एंडिंग टैग होता है। वो किस तरह से, जैसे ये देखो स्टार्ट टैग है इसका H1 का, हेडिंग वन के लिए एक टैग हम यूज़ करते हैं H1 का, उसका स्टार्ट टैग है बिल्कुल है और उसके अंदर कोई कंटेंट भी आता है माय फर्स्ट हेडिंग जैसे, और इसका कोई ना कोई एंड टैग भी है जो कि फॉरवर्ड स्लैश के साथ H1 लिखना पड़ता है। इसी तरीके से P के साथ माय फर्स्ट पैराग्राफ, इसका कंटेंट है और इसका एंडिंग टैग भी है। अब BR एक टैग है जो कि ब्रेक लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। वो बेसिकली एक लाइन है, तो आप समझो कि लाइन के अंदर हम ना कुछ लिख सकते हैं, सिर्फ लाइन लगानी पड़ती है हमें। तो वो ब्रेक लाइन करने के लिए या पैराग्राफ के अंदर ब्रेक करने के लिए लाइंस को, सपोज करो यहाँ से ये मैंने इसके बाद एंटर दबा दिया, तो यहाँ से ये जो पैरा था वो कट के नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गया। तो ये BR का काम होता है इस टैग का, तो इसने ब्रेक करना होता है, जैसे एंडल होता है, तो इसने ब्रेक कर दिया। इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होगा और ना ही इसका कोई क्लोजिंग टैग होगा। तो इस तरह के कुछ टैग्स हमारे पास हैं जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। तो बाकी जो टैग्स हैं वो उनका कोई ना कोई स्टार्टिंग टैग होता है, एंडिंग टैग होता है, और उनके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट या कॉन्टेंट हम स्टोर करते हैं जो वो डिस्प्ले करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे वेब ब्राउज़र की। द पर्पज़ ऑफ अ वेब ब्राउज़र इज़ टू रीड HTML डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले दैम करेक्टली। अब ब्राउज़र का क्या काम होता है, ये सामने आपके पास एक ब्राउज़र की एग्जांपल है। ये ब्राउज़र का क्या काम होता है, HTML डॉक्यूमेंट्स को इसने रीड करना होता है और जो कुछ वहाँ पे लिखा है उसको एज इट इज़ इसने डिस्प्ले करवाना होता है। अब जो जितने भी हम टैग्स लगाते हैं, सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल में था H1 my first heading, अब क्या करेगा जो ब्राउज़र होगा वो H1 को रीड तो कर लेगा, लेकिन वो उसको ये पता चल जाएगा कि H1 इस पर अप्लाई करना है, इस पर हेडिंग अप्लाई करनी है, इस पर बोल्ड अप्लाई करना है, जो भी इसकी फंक्शनैलिटी है H1 की वो इस टेक्स्ट पे अप्लाई करना है मैंने। लेकिन वो क्या करेगा, इन टैग्स को डिस्प्ले नहीं करवाएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस पर ये जो H1 के दरमियान में लिखा हुआ था ये वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है बेसिकली, और ये थोड़ा बोल्ड हो जाता है, और हेडिंग जो होती है जैसे हम आम हेडिंग लिखते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, ये बाकी टेक्स्ट है थोड़ा बिग फॉर्म में है। तो इसी तरीके से बाकी जो H1, H2 इस तरह की कुछ हेडिंग्स हैं जो हम आगे रीड आउट करेंगे, तो इस तरीके से ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र का क्या काम होता है, जो HTML हमने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ होता है उसको सिर्फ और सिर्फ इसने डिस्प्ले करवाना होता है एज इट इज़, और जो फंक्शनैलिटी उस पर लगानी है वो इसने एज इट इज़, और टैग्स को बिल्कुल डिस्प्ले नहीं करेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे HTML के पेज के स्ट्रक्चर की। अब HTML जो मैंने आपको कोड लिख के बताया उसकी फंक्शनैलिटी क्या है, क्लोजिंग टैग स्टार्टिंग टैग का मतलब क्या है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि HTML का टैग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग टैग आप बोल सकते हो HTML का स्टार्टिंग टैग। अब ये एक बड़ा बॉक्स है, इस बड़े बॉक्स के अंदर ही सारा HTML का वर्क होगा, ठीक है। जैसे हम C++ का कोई फंक्शन बनाते हैं तो उस फंक्शन के अंदर ही सारा वर्क होता है, जब तक हम गेट CH करके उसको एग्जीक्यूट नहीं करवाते, जो भी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाएंगी वो उस फंक्शन का हिस्सा होंगी। तो इस HTML डॉक्यूमेंट का हिस्सा होगा ये सारी चीज़ें। हेड का पोर्शन अलग होता है, हेड का टैग के अंदर टाइटल आता है बेसिकली, या और कुछ लिंक्स हमने लगाने हो और कोई और पेज रेफर करना हो यहाँ पे तो हम यहाँ पे लगाते हैं, वो हम देखेंगे आगे प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले लेक्चर में या दूसरे लेक्चर तक पता होनी चाहिए। वो है हेड का टैग है, हेड के टैग के अंदर जैसे समझ लो कि एक इंसान का हेड है उसके अंदर दिमाग है, तो समझ लो कि ये सिर्फ दिमाग
तक हम अभी बात करेंगे कि दिमाग में और बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं और बहुत सी फंक्शनैलिटीज़ कर सकता है वो, लेकिन समझ लो कि ये सिर्फ सर तक का हिस्सा है, ठीक है? सर का हिस्सा है और बॉडी का हिस्सा जो बाकी बॉडी है वो अलग है। उसके अंदर हमारे आर्म्स आ सकते हैं, हमारे हमारी बेली आ सकती है, हमारी लेग्स आ सकती हैं, हमारे फुट आ सकते हैं, इस तरीके से। तो इसका हिस्सा, इसका भी थोड़ा मिलता जुलता हिसाब है, लेकिन जो चीज़ हमें नज़र आएगी वेब ब्राउज़र पे वो सारी यही होगी। अब ये जो है हिस्सा, यहाँ पे मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। अब ये जो सारा हिस्सा है, समझ लो ये यहाँ तक, ये हमारा हेड का पार्ट है, और बाकी ये जो वाइट कलर का आपको नज़र आ रहा है ये सारी इसकी बॉडी है। तो यहाँ पे हम कुछ भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, ये गूगल किस तरह से दरमियान में सेंटर्ड लाइन है और यहाँ पे सर्च बार आ रहा है, यहाँ पे बाकी चीज़ें लिखी हुई आती हैं, ये सब कुछ हम HTML में लिखते हैं और इसे डिज़ाइन करते हैं और फिर इसको मैनेज करते हैं, इसको कलर्स देते हैं, etc। इस तरह की चीज़ें जो है हम करते हैं। तो ये सारा जो वाइट पार्ट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ओनली द कॉन्टेंट इन साइड द बॉडी सेक्शन, द वाइट एरिया अबव विल बी डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। सिर्फ ये सारी चीज़ें जो बॉडी के अंदर काउंट होंगी, बॉडी वाले बॉक्स के अंदर है, ये देख सकते हो बॉक्स, ये बॉडी वाले बॉक्स के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें, वही सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले पे या ब्राउज़र के अंदर नज़र आएंगी। ये जैसे पिछली एग्जांपल में था, ये ब्राउज़र पे माय फर्स्ट हेडिंग लिखा हुआ है और माय फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये यही चीज़ सी लिखी हुई, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। ये यहाँ पर एक और कोड ऐड किया हुआ है, दिस इज़ एन अदर पैराग्राफ का। अब HTML की हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने WWW को इन्वेंट किया था, जो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद HTML भी टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में इन्वेंट की, जो बेसिक मार्कअप लैंग्वेज थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने इन्वेंट की। उसके बाद इसमें एडिशंस होते गए और 2014 तक जो है वो, ये 2000 पे XHTML आ गया था version 1। फिर उसके अलावा आगे चलते चलते अब जो इसकी लास्ट एनहांसमेंट है बेसिकली, वो यहाँ मैं आपको शो करवा दूँगा। ये देखें 2017 में जो है HTML 5.2 जो लेटेस्ट वर्जन है HTML का, वो अब चल रहा है जो मौजूदा दौर में, वो है HTML 5.2, जिस पे हम वर्क करेंगे अब और इसी पे हम सारी एक्सरसाइज अपनी जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको HTML के बारे में खासी नॉलेज हासिल हो गई होगी, बेसिक्स थोड़ी आपकी आपको पता चल गई होगी। हम नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद इसकी चीज़ें कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।